गुड मॉर्निंग ऑल ऑन साइट कंस्ट्रो वीडियो यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि रिटेनिंग वॉल जो रिटेंशन किया जाता है आरसीसी रिटेनिंग वॉल उसके अंदर एक वीप होल डाला जाता है। वो वीप होल का क्या मीनिंग है, उसका फिल्टर मीडिया कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो ये दोस्तों ये मेरा रिटेनिंग वॉल है जहाँ पे हम ये रिटेन करने वाले हैं, उसमें यहाँ पे मैंने एक वीप होल छोड़ा है। तो हम जब आरसीसी पर्दी करते हैं तो पर्दी के टाइम में यही वीप होल के अंदर एक पाइप डाल देते हैं, इसको वीप होल कहा जाता है। इसका साइज जो है वो 4 इंच है, जो डिजाइन देता है उसके हिसाब से उसका थिकनेस ये जाता है। आप देख रहे हैं कि ये 4 इंच का वीप होल है। ये वीप होल स्टैगर्ड पैटर्न में डाला जाता है ड्यूरिंग जब हम कॉन्क्रीट करते हैं तभी ये वीप होल डाला जाता है। इसका पर्पज क्या है और ये क्यों डालना है इसका मैं आपको ये देता हूँ। इसका पर्पज जो है यहाँ पे जब रिटेन होता है तो यहाँ से वाटर एस्केप हो जाता है, बाहर आना चाहिए, तो जो अल्टीमेटली लोड है वो रिटेनिंग वॉल के ऊपर नहीं आता। और जहाँ से वाटर आ रहा है ऊपर से, यानी हिल स्टेशन है, वहाँ से वाटर आके एक जगह पे रुक ना पाए, वहाँ से एस्केप होके उस तरफ हमने एक गटर फॉर्मेशन किया है, वहाँ से पानी ड्रेन होके हमारे स्टॉर्म वाटर को मिलता है। तो ये हो गया मेरा वीप होल। वीप होल का स्टैगर्ड पैटर्न में किया जाता है। मेरे डिजाइनर आरसीसी डिजाइनर ने मुझे स्टैगर्ड पैटर्न में 1800x1800 से सेंटर पे वो दिया है। एक्चुअली वो स्टैगर्ड पैटर्न में डाला जाता है। उसके बाद में अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि फिल्टर मीडिया कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिल्टर मीडिया है। ये फिल्टर मीडिया में ये जो दिखाई ये जियो टेक्सटाइल है। ये जियो टेक्सटाइल है, ओवेन GPM 112 उसका ये है स्पेसिफिकेशन है। ये हमने जियो टेक्सटाइल लगाया है। जियो टेक्सटाइल के अंदर हमने एक पहला लेयर लगाया, उसके बाद में दूसरा लेयर लगाया, और हमने दूसरे पहले लेयर के अंदर इसमें हमने आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ये किया है, मेटल डाला है। मेटल 1.25 इंच का मेटल देख रहा है आप, देख सकते हैं देखो ये मेटल डाला है हमने। तो मेटल क्या करता है, मेटल से पानी परकुलेट होके सिपेज होके बाहर की तरफ निकल जाता है। वहां से ये करने का मीनिंग क्यों है कि यहाँ से अगर कुछ सॉइल आ जाता है तो सॉइल ये वीप होल के अंदर जाके होल बंद ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ये जियो टेक्सटाइल में ही किया। ये एक्चुअली परकोलेशन का काम करता है। यहाँ से वाटर आ जाता है, वहां पे कुछ इससे अंदर कुछ कचरा वगैरह इसके अंदर से ये होल पैक ना हो जाए, इसलिए हमने इसको ये जियोटाइल्स दिखाया। और यहाँ से ये जियोटाइल्स से पानी परकुलेट होकर अंदर चला जाता है। उसके बाद में हमने इसके अंदर एक मेटल डाला है जो हमें खड़ी बोलते हैं इसको, इसमें आप देख सकते हो कि 1.25 इंच मेटल है। हमने पूरा इसको ये 1.25 इंच मेटल का अंदर ये करके फिर से ऊपर से उसको डबल लेयर में लगा के प्लम्बिंग नेल से उसको हमने ड्रिलिंग करके प्लम्बिंग नेल्स को ड्रिल किया है, और ड्रिल करके इसके अंदर ये प्लम्बिंग होल्स रिटेनिंग वॉल के अंदर वाइसर के साथ कि जो बाहर ना सके वो लगा दिया है। ये हो गया हमारा जियो टेक्सटाइल। उसके बाद में हमने इसको फिल्टर मीडिया किया है। इसको फिल्टर मीडिया कहा जाता है। अलग टाइप के फिल्टर मीडिया आते हैं, हमने ये हमारे डिजाइन के हिसाब से हमने इसको ये किया है, वर्कआउट करके लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें रबर लगाना है। अभी मैं इसके बाद में यहाँ पे 300 पे रबर लगाने वाला हूँ, यानी पत्थर लगाने वाला हूँ। तो पत्थर क्या करता है, यहाँ से जब रिटेन हो जाता है पानी, यहाँ से वो सॉइल प्रेशर आता है तो ये वहां से पानी को एस्केप होने के बाद वहां पे गटर में आ जाता है पानी। यहाँ पे हमने इसके बाद में हम इसको यहाँ पे रबर लगाने वाले। रबल लगाने का पर्पज ये है कि जनरली जो हिल से पानी आता है स्लोपिंग से, वो स्लोपिंग का पानी एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए, और इकट्ठा ना होने के बाद वो जनरली एस्केप होके बाहर की तरफ निकल जाए। ये ऐसा भी पोल का आप देख सकते हो, ऐसा साइड पे हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हो कि प्रॉपरली इसको कैसे फिट किया है, और कुछ दिनों बाद ये जब इसके बाद में इसको बैक साइड से फिलिंग हो जाएगा तब ये पूरा सालों साल ये कम से कम 25 साल 50 साल ये इसका ड्यूरेबल लाइफ चलता रहता है। चलो दोस्तों आपको कैसा लगा हुआ ये वीप होल का साइड पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ आप देख लीजिए। हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।